आगे रोड ही बह चुकी है पूरी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये देखो रोड पूरा बह रहा था। आप देख सकते हैं जो भी बिल्डिंग गिरी थी, दोनों दुकान के बिल्डिंग बोलते हैं। और ये है, तो यहाँ पे कितने सारे वाटरफॉल है। तो ये है लैंडस्लाइड एरिया, तो यहाँ से तो निकल लो फटाफट। ऊपर देखो भयंकर है, भयंकर। ये भी है छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, तो यहाँ हर जगह पानी भरा हुआ है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हूँ अभी, यहाँ से तो जाएंगे राइट, जाएंगे तो रायपुर की तरफ, और लेफ्ट जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे सीधे मार्केट की तरफ। मार्केट बोले तो सर्वे चौक की तरफ और करनपुर की तरफ। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए माल देवता, तो आज हम माल देवता घूमेंगे। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूं रायपुर, और आज मौसम हो रहा है पूरे ऊपर बादल लगे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल तो बारिश नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके यहां से घूम करके फिर निकल लेंगे यहां, क्योंकि यहां पे बारिश होती है तो बहुत भयंकर होती है। और आजकल वीडियोस लेट आ रहे होंगे, कम आ रहे होंगे, क्योंकि हर जगह बारिश ही बारिश हो रही है। और पहाड़ों के हाल तो आपको पता ही है, पहाड़ों में तो काफ़ी नुकसान हो रखा है इस बार। हर जगह की रोड बंद है, और जाने में डर भी लग रहा है पहाड़ों में, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह कभी भी कहीं भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे लग गया है जाम। तो ये चल रही है पूरी रायपुर की मार्केट, और ये आ गया है मंदिर। तो यहाँ से हमने मुड़ना है लेफ्ट। तो ये है प्राचीन शिव मंदिर रायपुर का। तो भाई लोगों, यहाँ पे होने वाला है शायद, मुझको लगता है मौसम खराब, क्योंकि ऊपर हो गया पूरा काला और ऊपर आ गए हैं बादल, और पहाड़ों में भी पूरे बादल लगे हुए हैं यहाँ पे। तो एक रास्ता ये ऊपर जाता है, कहाँ जाता है मुझे भी नहीं पता। चलेंगे कभी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी पहाड़ों के हैं बुरे हाल, तो हम भी ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएंगे, नीचे नीचे घूम करके निकल लेंगे माल देवता। ओह, जूते ख़राब हो गए, बस वाला कहाँ लेके आ रहा है। तो पानी पूरा भर भर के आ रहा है यहाँ पे। तो ओए ओए, छींटे मार रहा है भाई यार। तो तो ये है सौंग नदी। तो पानी तो धीरे ही आ रहा है, ज़्यादा तेज नहीं है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। तो देखो फिलहाल तो कम ही है, उतना तेज नहीं है इसमें पानी अभी। बकरियाँ तो सहजदारा मसूरी
ये रास्ता जाता है यार, कई बार चलेंगे यहाँ से शहजारा मसूरी। ये आ गया है यहाँ पे छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। अरे गुरु, जब बारिश आती है तो निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर राइट जाओगे तो मालदीप तो हम पिछली बार भी गए थे, तो यहाँ से आज हम जाएंगे ऊपर। और यहाँ पे हो रखा पूरा लैंडस्लाइड वगैरह हुआ होगा, तो ऑफ रोड हो रखा पूरा। ओहो, गाड़ी स्लिप मार रही है। यहाँ से आया होगा पूरा, तो देख लो भैया रोड के तो बहुत बुरे हाल हो गए यहाँ पे। सबकी जगह पानी आता है, बहुत भयंकर आता है। तो यहाँ से देखो मालदेवता का नज़ारा, नदी तो आ रही है बहुत तेज, गजब। क्यों देखो मालदेवता की बात ही अलग है, हरियाली हर जगह। तो एक ये आ गई छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, और ऊपर से आ रहा पूरा पानी भाई। तो ये आ गया है लाल पुल। यार रुकते हैं थोड़ी देर, गजब। तो ये है लाल पुल, और वो है वो दून डिफेंस एकेडमी जो अभी गिरी थी, जिसका वीडियो भी आया था सामने कुछ दिन पहले। और यहीं से मैं सुबह खोली के लिए ऑफ रोड के लिए भी गया था यहाँ से। अरे तो चलो चलते हैं आगे। यार रुकना ज़्यादा देर सही नहीं है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे घूम के आते हैं। तो बारिश के छींटे हो गए हैं शुरू। तो यहाँ से देख के आएंगे। तो ये गिरा था उस समय दून जो कॉलेज था। तो यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर। और तो भाई लोगों मैं आया हूँ लाल पुल से, थोड़ा सा ऊपर आया हूँ। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो भी बिल्डिंग गिरी थी, दून डिफेंस एकेडमी बोलते हैं शायद, जो भी शूटिंग पहले ही गिरी थी। तो यही गिरी थी वो बिल्डिंग उस समय, वो लगी हुई JCP। तो इस समय नदी भी बहुत तेज़ी से आ रही है अभी भी। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो जब मैं उस समय आया था पिछली बार भी, तो सुबह खुली गया था, तो मैं यहीं से गया था। तो उस समय तो नदी में पानी नहीं था, एकदम सूखा हुआ था। तो अगर वीडियो देखना होगा तो यहाँ से मैं निकला था मसूरी सुबह खुली, ये लाल पुल से। तो लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो ये आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजर है, बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल आ रहा है।
वो देखो ऊपर से, यहाँ से देखो बाप रे। तो पिछले साल भी जो आपदा आई थी यहीं पे आई थी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहीं पे ही हुआ था। तो ऐसे मकान वगैरह काफ़ी बह गए थे। तो एक वाटरफॉल और ये है, तो यहाँ पे कितने सारे वाटरफॉल है। ये है ऊपर से आ रहा है, एक तो वो आ रहा है ऊपर से, बस नीचे 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 दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कैमरे में। और एक ये है, ये वाटर क्रॉसिंग और छोटा सा वाटरफॉल। तो ये है लैंडस्लाइड एरिया, तो यहाँ से तो निकल लो फटाफट। ऊपर देखो भयंकर है, भयंकर। तो ये भी है छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। तो यहाँ हर जगह पानी भरा हुआ है, तो हो सके तो मालदीव तक कुछ दिनों के लिए मत आना बरसात में। ये पिछली बार का गिरा हुआ पूरा, ये देखो दुकान वगैरह पूरी गिरी हुई है बह करके। ये तो पहले वाली आपदा में गिरा था। तो नदी आ रही है यहाँ पे बहुत भयंकर। तो ये भी है ऊपर से आ रहा पूरा। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस यहीं तक थोड़ा सा घूम घाम के फिर सीधा वापस, क्योंकि यहाँ पे है थोड़ा रिस्की। ये देखो हर जगह पानी है बाप रे। इसके आगे तो बंद है रास्ता। आगे रोड ही बह चुकी है पूरी, हो यहाँ से लेके यहाँ तक आप दोनों इस बार दिखाते हैं। यहाँ से नदी का नज़ारा, तो मेरे पीछे आपको नदी दिखाई दे रही होगी। भयंकर गिर यहाँ पर, भयंकर यहाँ पर तो बहुत तेज आ रहा पानी, और ऊपर पूरा मौसम खराब हो गया ऊपर। वो देखो जो कोहरा और बादल लग गया। तो भाई पकड़ रहा है मछली। तो ये देखो रोड पूरा बह रहा था। ये पूरी दुकानें वकाने जो भी रहा होगा, ये लकड़ी बह के आ रही, ये पिछले बार की है, इस बार की नहीं है। तो ये लगी अपनी बाइक और निकलते हैं यहाँ से अब वापस, क्योंकि मौसम हो गया पूरा ख़राब। अब चलते हैं वापसी को, वापसी में कुछ दिखाई देगा तो वहाँ रुकेंगे। लेकिन भाई बहुत ख़तरनाक रुका है यहाँ पे, आना मत, हर जगह पानी है हर जगह। तो ये वापस आ गए हम लाल पुल के पास, थोड़ा पुल में एक चक्कर लगा के आते हैं। तो पुल में खड़ा होना सही नहीं है, ये देखो पूरा का पूरा पानी इधर से आ रहा है इधर जा रहा है। तो ये रास्ता चला जाएगा टीरी के लिए, तो इधर चलते हैं। पहाड़ से पत्थर गिरने का भय, इतने सारे पत्थर गिरे थे। यहाँ से भी देखो नज़ारा, पुल वगैरह बना रखे। तो मेरा मकसद है आपको मानसून में मालदीव तक घुमाना। अरे बाप रे, ये देखो कितने बड़े पत्थर गिरे हुए यहाँ पे।
तो अब चलेंगे उस सामने हरे पुल पे। लाल पुल हमने घूम लिया, ज़्यादा ऊपर मैं गया नहीं, तो अब चलेंगे हरे पुल में। जिस रास्ते में गया था सल्फर पुल, तो अब थोड़ा वहाँ घूम करके फिर वापस घर को। बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है रास्ता। तो यहाँ से है रास्ता द्वारा, यहाँ से 3 किलोमीटर है। द्वारा भी चलेंगे, लेकिन यार ये मौसम साथ ही नहीं दे रहा, तो थोड़ा हरे पुल तक घूम के आते हैं। यहाँ से गाड़ी घूम भी नहीं रही यार, कीचड़ ही इतना भयंकर हो रखा। तो भाई साहब ये आ गया है हरा पुल, तो यहीं से द्वारा के लिए रास्ता जाता है, सल्वर पुल के लिए भी यहीं से जाता है। अरे पुलिस वालों का बैरियर लग गया है। तो ये नदी देखो भयंकर, पिछली बार ये पुल ही बह गया था, पुल मतलब पुल तो नहीं बहा था, यहाँ तक बह गया था। भाई साहब भयंकर आ रही दोनों नदियाँ, यहाँ से बह गया था पूरा नीचे तक। द्वारा के लिए शहर इधर जाते हैं, तो इधर जाके कोई फायदा नहीं है, यहाँ पानी भरा हुआ है। इधर घूम के आते हैं, थोड़ा आगे तक क्या है इसके आगे मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो ये मैं जा रहा हूँ द्वारा वाली रोड पे। ये रोड काफ़ी अच्छा है, बस वो रोड तो पूरा ख़त्म हो रखा पानी के रास्ते टूट टूट के। यहाँ पे थोड़ा सा ये आ गया है ऑफ रोड। तो भाई लोगों मैं हूँ यहाँ द्वारा के रास्ते में, हरा पुल पार करके मैं थोड़ा सा ऊपर आया हूँ, मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर। तो अगर आप ये मालदेवता आना चाहते हो तो इधर सही लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे रोड वगैरह सही है और इधर पे टूरिस्ट भी आ रखे हैं। बाकी उधर तो बहुत भयंकर था, तो यहाँ से कुछ नज़ारा देखो सही दिखाई दे रहा एकदम यहाँ पे। तो ऐसा है, तो वो तो है हरा पुल और वो है वो मोड़ जो ऊपर चला जाता है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऊपर लगे हुए बादल पहाड़ों पर। भाई लोगों यहाँ लग गया भयंकर बारिश, सामने भी अंधेरा हो गया है। तो घूम लिए हम मालदेव का, और एक बार याद रखना मानसून में यहाँ मत आना, क्योंकि मानसून में हो रखे हैं बुरे हाल। तो भाई लोगों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।